हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत कम रुपयों में सस्ती मिठाई। गणेश चतुर्थी आ रही है तो आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी भी होती है और बच्चों को भी अंदर पसंद आती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। पानी से बनेगी ये। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, कॉर्नफ्लोर लिया है। तो आज हम बना रहे हैं बादामी हलवा। तो हमने 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेना है। ये हमने 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, कोई सा भी ले सकते हैं आप, कॉर्नफ्लोर बाजार में मिल जाता है। अब इसको हमें पानी मिला के इसका एक घोल रेडी कर लेना है। लम्स नहीं आने चाहिए, पहली बात तो इसमें लम्स पड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है। तो इस तरह से हम इसमें पानी मिला के इसका एक घोल रेडी कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल पानी जैसा। तो हम इसका घोल ये हमने रेडी कर लिया है। और हमने थोड़े से बादाम लिए हैं क्योंकि हम बादामी सोन हलवा बना रहे हैं, इनको हमने काट लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। तो हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम 1/2 गिलास पानी डाल लेंगे। 5 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया था तो 5 चम्मच ही हम इसमें शक्कर डालेंगे। इस तरह से हमने इसमें शक्कर डाली है। अब इसका एक हम शुगर सिरप बनाना है हमें, यानी कि शक्कर को बस हमें मेल्ट करना है। इसके बाद फिर हम इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर घोल के रखा है वो हम इसमें डालेंगे। और इसी टाइम पे हम इसमें येलो कलर का फूड कलर डाल रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए। तो इस तरह से हमने येलो कलर का फूड कलर डाल लिया है। अब शक्कर को हम घुनने देंगे, फिर आपको हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं शक्कर हमारी घुल गई है। और अभी इसी टाइम पे हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे इस तरह से। और जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बना के रखा था वो भी हम इसमें थोड़ा इसको घुमा लेंगे इस तरह से, नीचे बैठ जाता है, इसमें हम इसको डाल देंगे इस तरह से। अब हम इसको चलाते रहेंगे क्योंकि ये नीचे जम जाता है। तो अब इसको हमें बराबर चलाते रहना है। गैस को हमने स्लो रखा है जब तक ये थिक नहीं हो जाता अच्छे से। इसको हम चलाते रहेंगे इस तरह से, ये अच्छे से इसमें मिल गया है शक्कर के पानी में। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसको अब हम पकाएंगे। जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाता है तब तक हमें इसको पकाना है। गैस को हमने मीडियम कर लिया है, आप देख रहे होंगे इसमें इस तरह से थिकनेस आने लगी है। हमें इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बराबर चलाते रहिए आप हल्के हाथों से। ज़्यादा इसमें ताकत का यूज नहीं होता है, बस इसको आप इस तरह से चलाते रहिए। देखिए इस तरह से थिक होने लगा है। अब हम गैस को स्लो कर लेंगे। गैस को हमने पूरा स्लो कर लिया है और इसको अब हमें अच्छे से मैश कर लेना है। देखिए आप इस तरह से इसको हम अच्छे से चलाते हुए मैश कर लेंगे। इसमें देखिए जो हमने घी डाला था उससे इसमें चमक आ रही है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी और डालेंगे। आप इसको जितना ज़्यादा चलाएंगे उतना ही अच्छा हमारा ये सोन हलवा बनेगा। तो इसमें अब हम 2 चम्मच घी और डाल रहे हैं इस तरह से। अब इसी टाइम पे हम इसमें बादाम डाल देंगे और इसको हम फिर से अच्छे से मिलाएंगे इस तरह से। जो हमने घी डाला था वो इसमें अच्छे से सोख कर ले। तो इस तरह से इसको हम 1-2 मिनट तक चलाते रहेंगे। बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से इसको हम अच्छे से पका लेंगे। गैस को हमने स्लो ही रखा है जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से
अच्छे से 2-3 मिनट इसको हम पका लेंगे, फिर आपको हम बताते हैं। तो इसको हमने अच्छे से पका लिया है, जितना आप अच्छे से इसको पकाएंगे उतना ही अच्छा हमारा ये सोन हलवा बनेगा बादामी। अब इसको हम एक जिसमें हम इसको जमाना है उसमें हम उसको निकाल लेंगे। गैस को अब हम बंद कर देंगे। तो हमने एक पॉट लिया है, इसमें अब इसको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया है, अभी ठंडा हो जाएगा, फिर आपको हम इसके पीस काट के दिखाते हैं। तो ये ठंडा हो गया है, सेट हो गया है, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। आप अपने हिसाब से इसके छोटे बड़े पीस कर सकते हैं, हम इसके छोटे पीस कर रहे हैं क्यूब में, देखने में भी अच्छे लगते हैं और जिसको जितना साइज खाना होता है उस हिसाब से वो खा भी लेते हैं। तो फिर हम इसके पीस काट के आपको दिखाते हैं। देखिए आप कितना अच्छा है, लचीला एकदम। एक प्लेट में इसको हम निकाल के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा बादामी सोन हलवा रेडी है और कितना अच्छा बना है, इतना ही टेस्टी है, देखने में इतना अच्छा है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, देख सकते हैं 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ, पानी में बना है पूरा ये, ना इसमें दूध लगा है ना इसमें मलाई लगी है, कुछ भी नहीं लगा है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।